के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्षेत्र को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना के तहत असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया। आज दिल्ली की सरजमी पर एक नया इतिहास लिखा गया है। कभी किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि दिल्ली में भी वाटरफॉल देखे जा सकते हैं। आज यहाँ पर वाटरफॉल का उद्घाटन हुआ है और अब दिल्ली के लोगों को नैनीताल या अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर वाटरफॉल देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना था कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे जगह बनाई जाए जहां दिल्ली के लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए एक स्थान मिल सके। आज उसी सपने को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। असोला भाटी माइंस के बीच मौजूद नीली झील में 4 कृत्रिम झरने और 10 से अधिक तैरते फव्वारे लगे हैं। दिल्ली वासियों को ये एक नया अनुभव प्रदान करेंगे। झरनों और नीली झील के विकसित होने से प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक पसंदीदा जगह बन जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे डिपार्टमेंट्स का जिन्होंने मिलकर इसको जो है एक वॉर फुटिंग पे किया है। और आज 4 झरने जो आप देख रहे हैं, आज जो चल रहे हैं, ये पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिए जाएंगे। लोग यहाँ पर आएंगे, इंटरटेन करेंगे अपने को, खाएंगे पिएंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का भी इंतजाम होने वाला है बहुत जल्दी और दिल्ली के लोगों को एक नई जगह देखने को मिलेगी। झील से पानी को पंप करके झरने बनाए गए हैं। 100 फीट की ऊंचाई से सीढ़ियों से पानी झील में गिरता है। इन झरनों से न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ऑक्सीजन भी मिलेगी। मैं आज सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज हमने एक इतिहास लिखा है दिल्ली में और इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। DDA, NDMC और सारे डिपार्टमेंट मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं और आप देखेंगे दिल्ली के अंदर इस तरीके की नई नई जगह हम बनाएंगे। असोला भाटी माइंस को दिल्ली के इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। प्रकृति के अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उसको बिल्कुल अनटच रखा जाए, कोई उसको नुकसान ना हो, इसलिए सोलर पंप्स को लगाया गया है। कोई डीजल पंप नहीं लगाया गया है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया गया है। उसके साथ साथ ये पूरी जो भाटी माइंस हैं उसमें एक ट्रैक को भी डेवलप किया गया है, वो लगभग 4 किलोमीटर का है। जिनको यहाँ पर आकर ट्रैकिंग करनी है, घूमना है इस सुंदर एटमॉस्फेयर में, वो भी यहाँ काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं।